अल्लाह का शुक्र है, अब तो ये बदल रहा है। बहुत सी लड़कियां बहुत आगे चली गई हैं और अभी ऐसे ही डेवलप करता रहेगा। अब मेरा ही गांव देख लीजिए, जैसे आप पहले वहाँ पर बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी, अब तो हमारा जो गांव है वो लगभग सारी सी लड़कियां पढ़ने लगी हैं। तो सब सब ने अपना अपना एक एम बना रखा है और इंशाल्लाह वो उसको पूरा करेंगी। मैं एक काबिल टीचर बनना चाहती हूँ। क्या करेंगे टीचर बनकर? जो नवशिक्षित बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उसे आगे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मतलब बहुत पहले से मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बाद में जाकर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सरकारी स्कूलों के बारे में बताना चाहूँगी, जो यहाँ की गरीबी है और उसके मतलब सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे गरीबी के कारण सरकारी में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट में अगर उनके पास पैसे नहीं है तो, लेकिन टीचर की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। आते हैं टीचर तो सो जाते हैं। कुछ तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ नहीं करना चाहते, मतलब जो मतलब मर्द है ज़्यादातर, मैं उनके बारे में बोलूँगी, वो मतलब ऐसा इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते खुद से। और दूसरी बात है कि यहाँ पर इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देती इस ज़िले पर हमारे, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं ये तो वो कमाई के अड्डे बने हुए हैं, यहाँ तो बस पैसों की मार है और कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है, ना लोगों का कोई रेस्पॉन्स है, ना सरकार का कोई रेस्पॉन्स है। उनके पेरेंट्स वगैरह से और उनके जो रिश्तेदार वगैरह, उनके जो पड़ोसी हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड होती हैं। इस पे मेरा कहना है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एक तो ये धारणा बनी हुई है एक दिमाग में कि लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी स्कूल जाकर, मतलब कुछ गलत कर देंगी। इसके पीछे भी लड़कों का ही कारण कि लड़के भी तो गलत हो सकते हैं, लड़कियाँ ही थोड़ी गलत होती हैं। और दूसरी बात ये कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि आगे नहीं पढ़ाने, मैं खुद एक ऐसी लड़की बन के दिखाऊंगी, पढ़ने से कुछ गलत नहीं होता, अच्छा काम, बहुत ही अच्छी मतलब ये चीज़ है, शिक्षा है जो ये ग्रहण करनी चाहिए हर लड़की को, हर लड़की के पास होनी चाहिए। अपने अधिकारों का तो मालूम हो कम से कम, हमें क्या चाहिए को देखने के लिए आप कहीं किसी देश के किसी कोने में चले जाएं। और लड़कियों को कम इसलिए आंका जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को चैलेंज मत करो, अगर वो अपनी पे आ गई ना माहौल उठा कर रख देंगे। आज सुबह से हम आपको हरियाणा के मेवात इलाके का दौरा करवा रहे हैं, लोगों से मिलवा रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके को लेकर जो धारणा बनी हुई है कि यहाँ शिक्षा के मैदान में बहुत पिछड़ापन है, यहाँ की लड़कियाँ खास करके शिक्षा से बहुत दूर हैं। 2011 की जनगणना का आंकड़ा अगर हम लें तो यहाँ पर जो लड़कियों का लिटरेसी रेट है वो 37.2 है, जो कि काफ़ी कम माना जाता है, 50 से ब्लो है। तो यहाँ पर हमने ये कोशिश की है कि हम खुद लड़कियों के बीच में जाएं, महिलाओं के बीच में जाएं और उनसे पूछें कि क्या वाकई उनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता है या वो खुद स्कूल नहीं जा रही हैं या वो जाने लगी हैं। अभी हम एक गांव में थे जिसका नाम शिकरावा था। शिकरावा गाँव में वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि बड़ी तादाद में लड़कियां MBBS कर रही हैं, बड़ी तादाद में लड़कियां वकालत करने लगी हैं, स्कूलों की तरफ बढ़ने लगी हैं, कॉलेजेस की तरफ बढ़ने लगी हैं, यहां तक कि PhD में भी कई लड़कियों ने दाखिला लिया है। अभी हम एक गांव है यहां पर मरोड़ा गांव में हैं, यहां पे एक कैंपस है जिस कैंपस का नाम है अलजामिया मेवात कैंपस। इस कैंपस की स्थापना 2017 में हुई थी और ख़ास बात यह है कि इस कैंपस में जो बोर्डिंग स्कूल है, जो हॉस्टल है, उस हॉस्टल में लड़कियां भी पढ़ती हैं और वो यहां रहती भी हैं और अपनी शिक्षा हासिल करती हैं। यहां पर कुछ लड़कियां हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उनके जहन में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम समरीन है, मैं मेवात के ही एक गाँव शिकरावा से हूँ। समरीन ये बताओ कि ये कहा जाता है कि मेवात में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मेवात में लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाता, उनकी कुछ तो उन लड़कियों की कमी है और कुछ उनके पेरेंट्स की, जो पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ाया नहीं जाता और जो जिन्हें पढ़ाया जाता है वो पढ़ने नहीं जाते। लेकिन क्या ये बदल रहा है माहौल? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, अब तो ये बदल रहा है। बहुत सी लड़कियां बहुत आगे चली गई हैं और अभी ऐसे ही डेवलप करता रहेगा। अच्छा, आपने क्या बदलाव देखा है, खास करके आपको क्या खुद को क्या लगता है कि क्या क्या बदलाव हुए हैं अभी? जैसे कि मैंने कहा, मेरा ही गांव देख लीजिए, जैसे आप
पहले वहाँ पर बहुत कम लड़कियाँ पढ़ती थी, अब तो हमारा जो गांव है वो लगभग सारी सी लड़कियाँ पढ़ने लगी हैं। तो सब सब ने अपना अपना एक एम बना रखा है और इंशाल्लाह वो उसको पूरा करेंगी। आप क्या बनना चाहती हैं, कौन सी क्लास में हैं? मैं 12th क्लास में हूँ और आई वॉन्ट टू मेक बी एन IPS ऑफिसर। तो उसके लिए आप क्या तैयारी कर रही हैं, क्या आप सोचती हैं, घर घर की तरफ से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? घर की तरफ से तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरे पेरेंट्स जो वो मुझे ना बहुत आगे तक पढ़ाना चाहते हैं और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और मैं एक IPS ऑफिसर बन कर रहूँगी इंशाल्लाह। मैं दोबारा बात करूँगा आपसे भी आके। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरजू है, गांव जमालगढ़ गांव से। आरजू कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? पढ़ाई तो यहाँ पर बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इससे पहले जब हम पहले स्कूल में पढ़े थे तो वहाँ पर इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पर आकर हमने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की। तो क्या बनना चाहती हैं? मैं एक काबिल टीचर बनना चाहती हूँ। क्या करेंगे टीचर बनके? टीचर बनकर जो नवशिक्षित बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने क्या देखा है यहाँ पे मेवात में कि कौन सी ऐसी बुराई है जो आपको लगता है कि ठीक होनी चाहिए, जिसके लिए आपको लगता है कि नहीं मैं इसको ठीक करने के लिए आगे बढ़ूंगी, मैं काम करूंगी इसको लेकर, क्या लगता है आपको ऐसा? यहाँ पर लड़कियों को इतना ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता, मैं सोचती हूँ कि इन लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत दूँ कि आगे बढ़ें, आप भी ऐसे ही पढ़ें इसी तरह ही और आप इस समाज का नाम रोशन करें। तो क्या नाम है? मेरा नाम लाइबा है और मैं फरीदाबाद ज़िले के एक गाँव लदियापुर से बिलोंग करती हूँ। तो लाइबा, लाइबा ये बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्या करेंगी? हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, उसे आगे लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मतलब बहुत पहले से मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत बाद में जाके उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा कि हमारे समाज में किस तरह लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता और उन्हें उन लड़कियों के पढ़ाने पर भी समाज का ही दबाव रहता है। कुछ तो पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि उन्हें पढ़ाना नहीं चाहते और जो पढ़ाना चाहते हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि जो पढ़ना नहीं चाहती। तो मैं उन दोनों से कहना चाहती हूँ कि मतलब आप इतने खुले जहन बिना हो कि बहुत ज़्यादा हद से पार हो जाए और इतने कुन जहन भी ना हो कि मतलब एजुकेशन भी आप प्राप्त ना कर सकें। तो अभी मेवात में ये माहौल बदला है, अभी लड़कियाँ पढ़ने लगी? हाँ, माहौल तो बदला है, पहले की बहुत कम लड़कियाँ पढ़ती थी, कोई पहली नस्ल की पढ़ी हुई लड़की तो कोई ही मिलेगी, आप कहीं किसी भी गांव में जाकर देख लिए। और आज के दौर में ज़्यादातर लड़कियां पढ़ रही हैं हर गांव के, मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने आस पड़ोस में गांव वगैरह में लड़कियों से बात करूँ, उनके पेरेंट्स से बात करूँ और उन्हें बताऊँ कि एजुकेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बच्चों को बिगाड़ कर रख दे, एजुकेशन तो हमारे जहन को खोलता है, हमारी सोच को खोलता है और इंशाल्लाह एक दिन हमारा सपना ज़रूर पूरा होगा। आप ये बताइए कि आपकी कोई ऐसी दोस्त है जो पढ़ना चाहती थी पढ़ नहीं पाई? हाँ, मेरे स्कूल में जो उसकी 10th में पढ़ी थी वो मेरे साथ, तो वो कहती थी कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, लेकिन उसके पेरेंट्स आगे नहीं पढ़ाते, उसे घर पर बिठाया हुआ है, मतलब 12th घर पे ओपन से कर लेगी, बस इतना उसे पढ़ाया है। अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते? मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन होता तो सिचुएशन के हिसाब से हैंडल कर लेती, प्रोटेस्ट वगैरह करके कुछ तो करती हूँ। नाम क्या है आपका? महविश। महविश, कौन सी क्लास में महविश आप? 12th में। 12th में है, अच्छा। तो मेरे को महविश ये बताओ कि क्या क्या आपको मेवात में ऐसी दिक्कतें लगती हैं जो आपको लगता है कि उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं सरकारी स्कूलों के बारे में बताना चाहूँगी, जो यहाँ की गरीबी है और उसके मतलब सरकारी स्कूलों में अगर बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे गरीबी के कारण सरकारी में पढ़ सकते हैं, प्राइवेट में अगर उनके पास पैसे नहीं है तो, लेकिन टीचर की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, आते हैं टीचर तो सो जाते हैं बिल्कुल, और बच्चे ध्यान नहीं देते, खेलने वगैरह में लग जाते हैं, फिर ऐसे ही 10th या 12th पास करके किसी तरह से वो ऐसे ही जो मतलब कुछ भी कर लेते हैं, मतलब अपना दुकान खोल लेते हैं या फिर मतलब आगे नहीं बढ़ पाते हैं इसी वजह से। तो मैं कहना चाहूँगी कि सरकार से यहाँ के प्राइवेट स्कूलों पर ध्यान, सरकारी स्कूलों पर ध्यान दे और मतलब उनको अच्छा कराए थोड़ा। ये मेवात के बारे में ही कहा जाता है कि पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, आपको क्या लगता है किसका दोष है इसमें?
कुछ तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कुछ नहीं करना चाहते, मतलब जो मतलब मर्द है ज़्यादातर, मैं उनके बारे में बोलूँगी, वो मतलब ऐसा इतना आगे नहीं बढ़ना चाहते खुद से। और दूसरी बात है कि यहाँ पर इतना डेवलपमेंट भी नहीं है, सरकार ध्यान नहीं देती जिले पर हमारे। अपनी बात पर आपका क्या नाम है? सफिया। सफिया आप क्या कौन से क्या कर रही हैं अभी, पढ़ाई क्या कर रही? अभी ट्वेल्थ में आर्ट स्ट्रीम में पढ़ाई। क्या करेंगे आप, क्या बन? टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो। क्या करेंगे टीचर बन के? यही। किसे पढ़ाएंगे? लड़कियों के ऊपर ज़्यादा, लड़कियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगी, लड़कियों को आगे बढ़ाने के ऊपर। और अपने मेवात में जितने भी स्कूल हैं सरकारी स्कूल, उन पर काम करूँगी, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं ये तो वो कमाई के अड्डे बने हुए हैं, यहाँ तो बस पैसों की मार है और कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों में कोई पढ़ाई नहीं है, ना लोगों का कोई रेस्पॉन्स है, ना सरकार का कोई रेस्पॉन्स है। तो हम यही सुधारना चाहते हैं। फरजाना, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रही हैं आप, कौन सी क्लास में? ट्वेल्थ पास। आप बताइए कि आप क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। आप क्या करेंगे टीचर बनकर? टीचर बनकर जो हमारा मेवात है ये बहुत पिछड़ा इलाका है, इसलिए यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो बहुत कम पढ़ती हैं, तो मैं उनको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, उनके पेरेंट्स वगैरह से और उनके जो रिश्तेदार वगैरह, उनके जो पड़ोसी हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं हैं, आगे बढ़ सकती हैं, लड़कियाँ बहुत टैलेंटेड होती हैं। लेकिन अब दोबारा से सबसे ये सवाल पूछूंगा मैं, आप लोग अपना जवाब तैयार रखिएगा। आप ये बताइए कि समाज में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को क्यों कम आंका जाता है, क्या लगता है आपको इसकी वजह क्या हो सकती है? किस चीज़ की? लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कमज़ोर क्यों समझा जाता है, कि लड़कियों को सिर्फ ये क्यों समझा जाता है कि उनकी शादी कर दी जाए, उनको ससुराल भेज दिया जाए, वो चूल्हा चौकी करें, खाना बनाएं, घर के काम करें, बच्चों को पालें, क्यों ये बनाया गया माहौल? अच्छा, ये हमारे मेवात में तो ये समझते हैं कि जो लड़का होता है वो तो मतलब माँ बाप पेरेंट्स का मतलब एक वो वफादार बनता है, मतलब उसकी रहनुमाई करता है। जो लड़कियाँ होती हैं उनको कम पढ़ाते हैं, यूँ बोलते हैं कि लड़कियों को शादी करा देते हैं, वो किसी के घर चली जाएगी, ये थोड़ी नहीं हमारी मतलब वो हेल्प मदद करेगी, तो इसलिए लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते हैं और लड़कियों को कम पढ़ाते हैं। तो क्या बदलेगा ये माहौल? जी इंशाल्लाह ज़रूर बदलेगा। ये इसलिए ऐसे बदल सकता है जब हम लड़कियों को ज़्यादा मतलब बढ़ावा देंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे कि लड़कियाँ कम कमज़ोर नहीं होती, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, तुम पढ़ सकती हो, तुम कुछ बहुत कुछ कर सकती हो। ऐसे इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे मेरा कहना है कि जो पेरेंट्स हैं उनकी एक तो ये धारणा बनी हुई है एक दिमाग में कि लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी स्कूल जाकर, मतलब कुछ गलत कर देंगी। इसके पीछे भी लड़कों का ही कारण कि लड़के भी तो गलत हो सकते हैं, लड़कियाँ ही थोड़ी गलत होती हैं। और दूसरी बात ये कि मतलब ऐसा सोचते हैं कि आगे नहीं पढ़ाने, मैं खुद एक ऐसी लड़की बन के दिखाऊंगी, पढ़ने से कुछ गलत नहीं होता, अच्छा काम, बहुत ही अच्छी मतलब चीज़ है शिक्षा है जो ये ग्रहण करनी चाहिए हर लड़की को, हर लड़की के पास होनी चाहिए। अपने अधिकारों का तो मालूम हो कम से कम हमें क्या चाहिए दुनिया में, तो इसलिए आपको लगता है कि ये एक धारणा बनी हुई है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं, वो पढ़ लिख नहीं सकती। हाँ। आप इसको तोड़ने में क्या करेंगी, मतलब आपके क्या क्या कदम होंगे इसको तोड़ने के पीछे, इस धारणा को तोड़ने के लिए? एक तो मैं खुद ही मतलब अच्छी बनूं, मतलब दिखाऊं कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। और दूसरी बात मतलब उन्हें कोई मतलब स्पीच वगैरह के जरिए समझाऊं, या फिर किसी मतलब और देशों या मतलब और जो यहाँ पे और राज्य उनके बारे में दिखाऊं कि यहाँ पे कितनी तरक्की हो चुकी है, हमारे मेवात कितना पिछड़ चुका है, तो उसे दिखाकर मतलब बहुत बहुत कुछ कर सकते हैं हम ऐसा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल पे? मैं इस सवाल पर कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स को अब पहली बात तो अपनी बेटी पर इतना विश्वास करना चाहिए कि उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजें, और फिर भी वो गलत कर रही है तो उस लड़की से मैं कहना चाहती हूँ कि सोचे कि उसके पेरेंट्स ने उस पर कितना भरोसा किया है, कैसे उसको पढ़ा रहे हैं, वो उसे उसका ख्याल रखना चाहिए। और आप कुछ कहेंगे इस पे? ये है कि हमारे समाज में पहले से ट्रेडिशन चली आ रही है कि यहाँ पर लड़कियों को कम समझते हैं लड़कों के मुकाबले में, कि लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ पाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकती हैं, ये भी पढ़कर शिक्षा ग्रहण करके ये भी आगे बढ़ सकती हैं, ये गलत समझते हैं हमारे मेवात वाले यहाँ पर। पहली बात तो ये कि ये धारणा सिर्फ मेवात में ही नहीं है, ये हर जगह पूरे देश में मिल जाएगी आपको देखने के लिए, आप कहीं किसी देश के किसी कोने में चले जाएं। और लड़कियों को कम इसलिए आंका जाता है क्योंकि वो समझते हैं कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, वो कुछ नहीं कर सकती, अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि लड़कियों को चैलेंज मत करो, अगर वो अपनी पे आ गई ना
माहौल उठा कर रख देंगे। ये बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है इनका। ये धारणा सही बात है कि सिर्फ मेवात की नहीं, अलग अलग इलाकों की है जहाँ से खबरें आती हैं कि लड़कियों के साथ जिस तरह के अत्याचार होते हैं, जुल्म होते हैं। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, खासकर के मेवात में बदल रहा है, जहाँ पर इस कैंपस में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर लड़कियाँ इतनी वोकल हैं कि वो अपनी बात रख रही हैं, अपनी बात को बहुत मजबूती से रख रही हैं और तर्कों के साथ रख रही हैं। आखिरी कुछ सवाल है मेरे आप लोगों से, पॉलिटिक्स समझती हैं आप कि क्या देश में चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रही है? आपको ये बताइए कि देश की राजनीति जो अभी इस वक्त है, आपको क्या लगता है उसमें क्या सकारात्मक है और क्या नकारात्मक है? जो भी नकारात्मक सकारात्मक, जो भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव बोलना है। कुछ ही चीज़ मुझे उसमें पॉजिटिव दिखाई देती है, वरना तो सारी ही नकारात्मक है। पॉजिटिव क्या दिखता है? पॉजिटिव तो मतलब थोड़े बहुत उसमें अच्छे काम कर रहे हैं। नेगेटिव ये कि जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए बिल्कुल वो आरक्षण का नाम है, बस दिया विया कुछ नहीं उनके लिए। और तो यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्कूलों में बिल्कुल वो नहीं है, और मुसलमानों और जो पिछड़ी जातियाँ उनके साथ तो बहुत ही बुरा हो करती है। वो खुलेआम कह रही है कि आरक्षण के उसमें मतलब नहीं होगा ये, बस। मैं दो नेताओं के नाम लेता हूँ, आप बताइए उनके बारे में आप क्या सोचती हैं। राहुल गांधी, उनके भाषणों से तो मुझे अच्छे लगते हैं, वो कि लगता है कि इनकी सरकार आएगी तो देश में कुछ अच्छा होगा हमारे। लेकिन पता नहीं जब देश में जिसकी सरकार होती है वो फिर पता नहीं क्यों बदल जाते हैं। नरेंद्र मोदी, उनके बारे में तो आप पूछिए मत। क्यों? बताइए क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो झूठ पर झूठ गढ़ते जाते हैं और बात कुछ करते नहीं है, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। किसने बताया आपको ये कि वो झूठ गढ़ते हैं? मुझे पता घर है पे बताया, घर, पे? घर पे और इधर भी बताया जाता है, मैं न्यूज दिखाई जाती है, हम तो खुद समझ सकते हैं। तो आपको अकल है आपके पास, आप खुद का आपका ये टेक है कि वो गलत बोलते हैं? बताइए कैसे, आपने क्या चीज सुनी, कोई उदाहरण दीजिए। अभी राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बोला है कि उन्होंने अंबानी और अडानी से पैसे मतलब टेम्पो में भरकर पैसे मंगाए, तो उन खुद तो उनके साथ रहते हैं, अपने बारे में नहीं, भ्रष्टाचार जो खुद कर रहे हैं उसके बारे में नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मैं मतलब वो उनके बारे में बोल रहे हैं कि ये इन्होंने तब से इनकी सरकार ये चुनाव वो हुआ है तब से इन्होंने अबानी और अंडा अब उसके बारे में एक बार भी नहीं बोला है। तो ये चीज़ आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में उनके बारे में ज़्यादा कोई राय नहीं है। आप बताइए राजनीति जो चल रही है देश में, आपको क्या लगता है कि क्या पॉलिटिक्स क्या है, क्या समझते हैं आप? आप अभी 12th क्लास में हैं, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिक्स को लेके क्या होती है? पॉलिटिक्स होती है, पहले तो जो उसमें नेता होते हैं उनको चाहिए, अगर वो बनना चाहते हैं देश के नेता तो अपने देश की तरक्की चाहे, ना कि उसका बुरा। जैसे कि आप नरेंद्र मोदी चाह रहे हैं, वो बस अपना फायदा चाहते हैं और किसी से उसे कुछ नहीं लेना देना। क्यों लगता है आपको ऐसा? किसने मतलब आपने खुद ने देखिए, जब से मैं बड़ी हुई मैंने बस यही सुना है कि यहाँ के प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी। अच्छा, एक बात कही जाती है कि मुसलमान जो हैं वो मोदी के खिलाफ हैं ज्यादातर, क्यों है मुसलमान मोदी के खिलाफ? ये तो आप उनसे ज्यादा बेहतर होगा पूछें, तो फिर भी मैं मोदी से जाकर पूछे बता देती हूँ। आपको क्या लगता है क्यों है मुसलमान मोदी के खिलाफ? मोदी मुसलमानों के खिलाफ, इसलिए मुसलमान मोदी के खिलाफ। तो आप कुछ कहेंगे इस पर? अच्छा, एक आखिरी सवाल सबसे एक एक लाइन में पूछूंगा मैं, आप लोगों के क्या मोटिवेशन है, क्या सपने हैं? आप लोग एक एक लाइन में जवाब दें, पहले भी मैंने पूछा आपसे, लेकिन कोई एक एक लाइन का ऐसा जवाब हो कि आप ये करना चाहते हैं, ये आप इस तरह से बदलाव लाना चाहते हैं, बताइए। चेंज ऑफ आवर सोसाइटी। जरूरी नहीं एक लाइन का जवाब हो, बड़ा भी हो सकता है। सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, चेंज ऑफ सोसाइटी। मेरा भी यही है, चेंज ऑफ प्लेस, बदलना चाहते हैं समाज को। हाँ, ये और ये कि जो मेवाती लोग मतलब मेवाती लोग हैं उन्हें राजनीति में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि वो भी राजनीति में इंटरफेयर करें, वो भी समझे अपने हकूक को, समझे उनके क्या हकूक हैं, क्या राइट्स हैं, उनकी मांग करें सरकार से। जैसा कि आपको पता है मेवात कितनी नज़दीक है राष्ट्रीय राजधानी से, फिर भी उसमें कोई तरक्की नहीं है। हालाँकि इतने दूर दूर के इलाकों में खूब तरक्की हो रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के पास होकर भी मेवात इतना पिछड़ा क्यों हो गया? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से, क्यों ऐसा नहीं करते? तो मैं चाहती हूँ अपने मेवातियों से कि वो ये सवाल क्यों नहीं पूछते वो सरकार से। आप कहीं कुछ इससे पिछड़ेपन वाली जो बात है, यही पिछड़ापन तो।
नहीं कहना चाहती। कैसे बदलेगा ये? लोगों की सोच बदले और एक मतलब उन्हें पढ़ शिक्षित होंगे तभी तो ये बदलेगा। पैसे होंगे उनके पास, यहाँ पे कुछ वो डेवलपमेंट का वही नहीं है तो कैसे बदलेगा ये? एक इंसान से तो बदलेगा नहीं, सब मिल के इसमें काम करेंगे तभी तो बदलेगा। अच्छे इदारे नहीं है इसमें, सोच लोगों की बिल्कुल हिंदू जैसी बना दी है उन्होंने, और हम सोचते हैं कि मुसलमान मुसलमान रहे अपने उसमें। मैं अपने मेवात की लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। ये हमारी बात हो रही थी मेवात की लड़कियों से, और जिस तरह से ये लड़कियां, जिस अंदाज में ये लड़कियां बात कर रही हैं, ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि जिस वोकल अंदाज में ये लड़कियां बोल रही हैं, बात कर रही हैं, अपने मुद्दों को उठा रही हैं, अपने सपनों को बता रही हैं, और ये बता रही हैं कि हम क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं। इनमें से कुछ लड़कियों ने कहा कि हम टीचर बनना चाहते हैं और टीचर बनकर मेवात के भविष्य को संवारना चाहते हैं, मेवात को बदलना चाहते हैं। कुछ लड़कियों ने कहा कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो ये बदलाव जो हम अपनी रिपोर्ट के ज़रिए, इस रिपोर्ट के ज़रिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे आपको, मेवात बदल रहा है, मेवात के बच्चे बदल रहे हैं, यहाँ की लड़कियाँ बदल रही हैं। और जनसत्ता के माध्यम से आप इस वीडियो को देख रहे थे। हमारे YouTube को सब्सक्राइब कर दीजिए।